बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 टेंथ क्लास की साइंस ग्रुप की मैथ है हमारे पास जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम इसका सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हमने ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर हमने लेना है तो एल से हम पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय एल। ठीक है, तो एल से हमने जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास इस तरह की शेप आई, तो एल एल कैंसिल हो गए आपस में, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा एम एक्स बाई एल प्लस एन बाई एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम प्लस का एन बाई एल जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2/2, यहाँ पे हमारे पास कोई और डिजिट नहीं था तो हमने अपने पास से 2/2 मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास लिया क्योंकि हमने 2 यहाँ पे लाना था। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स, ठीक है, पहला यानी कि ए आपके पास आ गया, फिर एम बाई एल जो यहाँ से बच गया। ठीक है, तो प्लस एम बाई 2l आपके पास आ जाना है क्योंकि ये आगे जाके 2l होना है। ठीक है, तो एम बाई 2l का और स्क्वायर माइनस एम बाई 2l यानी ये आपके पास बी पार्ट बना इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एल बाई एन बाई एल। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, ये देखें अगले स्टेप में हम आपको बताते हैं कि ये 2 इसके साथ आ गया था। ठीक है, तो उधर हमें 2 चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे हमने बी पार्ट में क्या किया एम बाई 2l का होल स्क्वायर बनाया इज इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या किया ये माइनस वाला उधर ले गए, ठीक है, प्लस हो गया एम बाई 2l का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम ये पूरा पार्ट देखें ये क्या बना आपके पास, ये वाला यानी ये a हो गया, ये भी a, b, ये b का स्क्वायर हो गया, ये 2 फार्मूले का आ गया, एक्स प्लस एम बाई 2l आपका होल स्क्वायर ये फार्मूला बन गया इज इक्वल टू माइनस का एन बाई एल। ठीक है, प्लस यहाँ पे m का स्क्वायर बन गया और ये 4 हो गया, 2 2 4 और l का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चूँकि ये ऊपर स्क्वायर है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, 4l का स्क्वायर इसका एलसीएम आता है। ठीक है, 4l का स्क्वायर क्योंकि l इधर मौजूद है, नहीं तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये मौजूद है उसमें, तो हमने 4l का स्क्वायर लिया। अब ये इसे l से डिवाइड करें इसको तो क्या आपके पास बचेगा 4l और ऊपर n है, 4l और n आपके पास आ जाएंगे 4n और l। ठीक है, इनको आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। तो ये माइनस का ये वाला साइन था, फिर आगे आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये 4l का स्क्वायर एक टाइम जाता है, 1 टाइम जाता है 4l, तो ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ था, m का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया आपने, ठीक है, इस पूरी साइड पे और इस पूरी साइड में। ठीक है, ये 2 और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपके पास 2l बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट था। ठीक है, ऊपर आप ये आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब आप ये प्लस का एम बाई 2l उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x चाहिए होता है। ठीक है, तो माइनस का एम बाई 2l आ जाएगा इधर। ठीक है, प्लस ये वाला सारा इस दोनों को आप एलसीएम ले, ठीक है, 2l आ जाएगा दोनों का, माइनस एम प्लस माइनस ये वाला पूरी टर्म आपके पास आंसर आ गया।